नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है बीएमएच के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। हेडलाइन के प्रायोजक है बीएमएच के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। बेगूसराय जिले के खोदावंतपुर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर बूढ़ी गंडक में मिले शव की पहचान हो गई है। मृतक की पहचान समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र निवासी राजीव कुमार शर्मा के रूप में की गई है। मृतक के परिजनों ने राजीव कुमार शर्मा की हत्या कर शव को गंडक नदी में फेंकने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है कि आखिरकार राजीव की हत्या किसने और क्यों की। ये बांध मिर्जापुर घाट पर में इसको जो है सो नदी के किनारे में जो है सो मार के गिरा दिया। क्या किसी से दुश्मनी थी? क्या दुश्मनी के विषय में हमें बता पाए। बेगूसराय में जहर खाने से विवाहिता की मौत हो गई है। घटना बलिया थाना क्षेत्र के परमानंदपुर पंचायत के कस्बा दियारा की है। मौत की सूचना पर बलिया थाना पुलिस मौके पर पहुंच शव को अपने कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। बेगूसराय में अवैध शराब का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में गुप्त सूचना के आधार पर बलिया थाना पुलिस ने झाड़ी में छुपा कर रखी हुई 18 कार्टून विदेशी शराब बरामद किए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि सदानंदपुर गांव में शराब की खेप रखी हुई है। इस सूचना पर पुलिस ने वार्ड नंबर 2 में सड़क किनारे छापेमारी की, जहाँ छुपा कर रखे हुए 18 कार्टून शराब बरामद किए गए। हालांकि इस दौरान किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। बेगूसराय में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर एनएच किनारे झोपड़ी पर पलट गए। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए जबकि एक महिला की मौत हो गई। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के रानी गांव की है। घटना से नाराज लोगों ने एनएच 28 को जाम कर दिया। लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि रानी गांव के आसपास एनएच किनारे गंगा कटाव से विस्थापित लोग बसे हुए हैं, जो लगातार सड़क हादसे का शिकार होते हैं। लेकिन प्रशासन हर बार घटना के बाद जमीन उपलब्ध करा बसाने की बात कहती है, लेकिन कोई ठोस समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। तो क्या यही है, 45 साल से हम लोग एनएच 28 में बसे हुए हैं, ठीक है। जब कोई घटना होता है, 2 महीना पहले घटना हुआ था जो बालू को गरी उनटा और उनटने के बाद जो है बूढ़ी की जो मृत्यु हो गया, उसका विकलांग के बेटा था। जो प्रशासन आते हैं, कोई भी आदमी आते हैं तो ठगते हैं जो 10 दिन हम आप लोग का जमीन की व्यवस्था करते हैं। महज देने के लिए यहाँ कोई हटाने के लिए तैयार नहीं है। जमींदार भी जमीन देने के लिए यहाँ पर तैयार है रानी में, हैं लाल बहादुर गुप्ता सुलंदर राय दोनों आदमी देने के लिए तैयार है। महज प्रशासन सरकारी
आदमी कोई बसाने के लिए तैयार नहीं है, बार बार ये घटना हो रहा है, इसीलिए जाम में लगा हुआ है। लोकसभा चुनाव 2019 के छठे चरण के प्रचार के समाप्त होने के बाद प्रशासन ने होटलों की जांच की है। होटल शीतल से पुलिस ने 4,11,000 रुपए बरामद किए हैं। मोतिहारी नगर के छतौनी थाना चौक के समीप शीतल होटल में शिवहर की प्रत्याशी रमा देवी का कार्यालय है। वही पुलिस ने मोतिहारी नगर के YS होटल की कमरों की भी जांच की। हालांकि होटल से पुलिस को भी कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुई। बता दें कि YS होटल में पूर्वी चंपारण के महागठबंधन के रालोसपा प्रत्याशी आकाश सिंह का चुनाव कार्यालय है और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के रहने के लिए पूरे होटल को किराए पर ले रखा है। वही रालोसपा प्रत्याशी आकाश सिंह ने कहा कि सत्ता के इशारे पर विपक्षी को परेशान करने के लिए छापेमारी की जा रही है। छापेमारी के दौरान महागठबंधन के समर्थकों ने प्रशासन पर एकपक्षीय कार्य करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। कल भी फैजल अली जी के यहाँ रेड हुआ तो वो भी महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, बगल के शिवहर सीट से, और आज यहाँ हो रहा है भी महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है और इसको क्या भूलिएगा, और एक युवा को जो है सो ये लोग अपमानित कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चुनाव लड़ रहा है बीजेपी के खिलाफ, राधा मोहन सिंह जी के खिलाफ। जितना उनको करना है अपना कर लें, 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, सब उनको समझ में आ जाएगा, जनता जवाब देगी। शाम 6 बजे प्रचार समाप्त हो जाएगा और 6 बजे के बाद जो भी बाहर के स्टार कैंपेनर हैं जो यहाँ कैंप कर रहे हैं उनको ये जगह छोड़ देना होगा। केवल कैंडिडेट जो भले ही बाहर के हों लेकिन वो यहाँ रुक सकते हैं। अन्य कोई भी बाहरी व्यक्ति जो चुनाव प्रचार प्रसार में शामिल है, यहाँ के वोटर नहीं हैं, उनको ये एरिया छोड़ देना होगा। और कल के लिए कोई परमिशन नहीं है। 12 मई को मतदान की तिथि के लिए उनको उनके द्वारा रिक्वेस्ट किए जाने पर कैंडिडेट के लिए एक गाड़ी, उनके इलेक्शन एजेंट के लिए एक गाड़ी और विधानसभा क्षेत्रवार एक एक अतिरिक्त गाड़ी की अनुमति दी जाती है। बढ़िया रेलखंड पर ट्रेन से गिरकर एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। महिला की शिनाख्त बेगूसराय जिले के राजौरा ग्राम निवासी उमा शंकर राय की बीवी अनिला देवी के रूप में की गई है। असावधानीवश अनिला देवी ट्रेन से गिर गई। यह हादसा हाथीदह रेल थाना क्षेत्र में हुई। रेल पुलिस ने शव जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए बाढ़ अस्पताल भेज दिया है। अब आप बिहार न्यूज टीवी को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि बिहार की तमाम खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।